समेत 6 देशों से आने वाले यात्रियों पर अगले हफ्ते से सख्ती बढ़ाई जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर से आने वाले पैसेंजर्स को एयर सुविधा फॉर्म भरना और 72 घंटे पहले का नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया जा सकता है। इधर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार को कोविशील्ड की 2 करोड़ डोज फ्री देने को कहा है। SII में सरकार और नियामक मामलों के डायरेक्टर प्रकाश कुमार सिंह ने इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्रालय को लेटर लिखा है। लेटर में उन्होंने 410 करोड़ रुपए की फ्री डोज देने की बात कही है। कंपनी ने चीन समेत कई देशों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बीच यह फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक डायरेक्टर प्रकाश कुमार ने लेटर के जरिए मंत्रालय से पूछा कि कोविशील्ड की डिलीवरी कैसे की जाए। बता दें कि SII वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत भारत में अब तक कोविशील्ड की 170 करोड़ से अधिक डोज दे चुका है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने UAE से आने वाले पैसेंजर के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य कर दिया है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 220 करोड़ डोज को पार कर गया है। बिहार में कोरोना केसेस में 10 गुना की बढ़ोतरी हुई है। राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राज्य में रविवार तक कोई भी एक्टिव केस नहीं था। अब यहां केसों की संख्या 14 है, इनमें से 12 अकेले गया में है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।